अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस लेके आए हैं। हफ्ते का स्टार्ट है तो आपके लिए मैं जल्द अज जल्द, मैंने कोशिश करी जितनी जल्दी मैं आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस दे सकूँ उतनी जल्दी दूँ। तो अभी 9:55 हो रहे हैं तकरीबन, वीडियो आपको पहुँचते पहुँचते 10, 10:30 हो सकते हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहला मैसेज मेरा ये है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितनी ज़्यादा हो सके, ताकि हमारे जितने भी ट्रेडर्स भाई हैं उन लोग की मदद हो सके और वो लोग एक अच्छा प्रॉफिट गेन करें। आपको सबकी सिचुएशन पता है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुँचेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरों की गलत बताई हुई डायरेक्शन से बच सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ, बाकी आप क्या चाहते हैं वो आपकी शेयरिंग पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। देयर यू आर। तो लास्ट जो अभी अभी फ्राइडे गया है, फ्राइडे वाली आप वीडियो देखिएगा मेरी टेक्निकल एनालिसिस वाली, उसमें मैंने साफ साफ क्लियर अल्फाजों में बता दिया था। क्या बता दिया था? कि 1678 टू 1680 से गोल्ड को सेल करना है। सेल गोल्ड, सेल गोल्ड, सेल गोल्ड, ट्रेंड बता दिया था आपको। और मैंने बोल दिया था कि प्राइस अभी थोड़ा ऊपर आएगा, बाइंग में आएगा, लेकिन हम बॉटम से अब सेल नहीं करेंगे। वो जब हमने जुमेरात को करी थी ट्रेड, जुमेरात की डायनामिक सिनेरियो अलग थे और जुम्मे के डायनामिक सिनेरियोस अलग थे। वो मैंने बताया भी थे सबको कि प्राइस जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है बाइंग में उठेगी, उठने के बाद हम कहाँ से, हमें मेन ट्रेंड में बैठना है और ट्रेंड इज आर फ्रेंड, ट्रेंड में बैठेंगे और ट्रेंड की ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे प्राइस, जैसा कि मैंने बताया था कि प्राइस को 1680 तक आना है और फिर वहां से रिवर्स होना है। प्राइस आई 1680 तक, 100% वैसी चीजें चल रही हैं। अच्छा, काफी सारे लोग भी से बोल रहे हैं, यार आपको कहीं ख्वाब तो नहीं आते कि मार्केट, आप जो बोल रहे हो मार्केट वैसी चल रही है, आप जैसा बता रहे हो, कहीं आप कोई रात को ख्वाब तो नहीं देखते हो और फिर हमें ख्वाब टेक्निकल एनालिसिस में बता देते हो? तो भाइयों ऐसा नहीं है, इसके पीछे कड़ी मेहनत है और मैं तकरीबन एक दिन छोड़ के लोगों को सिखा रहा होता हूँ, कुछ लोगों को, अपने स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और बड़े बड़े, काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा और लेना भी नहीं चाहिए, काफ़ी एनालाइजर्स हैं उनको मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ। तो जिस बिहाफ पे मार्केट की हमें बहुत अच्छी नो हाउ होती है और प्रॉपर एक रिसर्च टीम बिठाई हुई है, वो आपको भी, वो मुझे बता रही होती है कि सर अब ऐसा होना है, अब ऐसा होना है, तो फिर मैं उस पर खुद भी चेक करता हूँ। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों को 5-10 मिनट की वीडियो में सब चीजें मिल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग इस पे कितना यूटिलाइज करते हैं इसको। तो किसी को यहाँ से ट्रेड मिली होगी फ्राइडे वाले दिन, उसे कितना प्रॉफिट गेन कर सका होगा वो बंदा, 96 पिप्स का प्रॉफिट गेन कर चुका होगा। और अगर आज के दिन उसने सुबह के टाइम पे ट्रेड ली होगी तो उसने तकरीबन 130-140 पिप का उसका प्रॉफिट चल रहा होगा। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है ये। फिर हम आ जाते हैं गोल्ड का, भी ये सिनेरियो बताया मैंने, गोल्ड को कंटिन्यू सेलिंग में जाना है। अच्छा, मैं आपको ये एरिया लगा देता हूँ, ये एरिया गोल्ड ब्रेक कर चुका है तकरीबन, और ब्रेक कर देगा इसके नीचे, H1 एक क्लोज हो जाएगी तो भी आप अच्छी सेलिंग बन जाएगी। लेकिन हमें कहाँ से सेल करना है, गोल्ड इस एरिया में थोड़ा सा ना एक दो दिन रेंज करेगा, वोलेटाइल रहेगा इस एरिया में। 1660 से 1650, 1680 से 1650, दोबारा सुने, 1680 से 1650 के एरिया में प्राइस एक दो दिन हो सकता है रेंज करे, वोलेटाइल हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा एहतियात करिएगा। ट्रेंड सेलिंग है लेकिन यहाँ पे वोलेटाइल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत अरसे बाद प्राइस इतना गिरा है। वैसे अगर हम देखा जाए तो एरिया अभी के हिसाब से, जब ये ब्रेक होता है 67, तो उसके बाद फिर 72-73 से सेल ले सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बता दिया एरिया थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। मैं आप मेरी कॉल पर रहिएगा, प्रीमियम मेंबरशिप का हिस्सा नहीं तो प्रीमियम मेंबरशिप का हिस्सा बन जाए जल्द से जल्द, मैं जब आपको ट्रेड करा रहा हूँ तो आपको वो ट्रेड मिल जाएगी। फिर हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी में। तो यूरो यूएसडी में भी बियरिश मूव आया था, मैंने आपको बता दिया लास्ट फ्राइडे को, और इसका बियरिश मूव लेना था। और कहाँ हैं वो लोग, वाइल तो देखो मेरे भाइयों, वाइल देखो, वाइल की सेलिंग बताई थी एग्जैक्ट, जिन एरियाज से सेलिंग दी थी उन एरियाज से सेलिंग ही सेलिंग, 100, 200, 300, 400 पिप की तो मजेदार सेलिंग ही सेलिंग। आ जाते हैं हम यूएसटी में, यूएसटी का क्या सिनेरियो बन रहा है, यूएसटी में भी सेलिंग आई क्योंकि मैंने आपको बता दिया था यूएसटी भी बेयर होगा। और फिर हम आते हैं नेस्डेक में, नेस्डेक में भी एग्जैक्ट सेलिंग आई, आपको पहले ही बता दिया था और वही हुआ। बिटकॉइन देखते हैं, बिटकॉइन आ जाओ भाई, बिटकॉइन वालों बताया था, बिटकॉइन वालों के लिए जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं उनके लिए क्या है, आ गए अब जी। तो खैर भाई, ये उन लोगों के लिए था जो लोग फजूल में लोगों को गलत डायरेक्शन देते हैं, उनके लिए था कि आ गए अब्बू जी। बाकी बिटकॉइन की सेलिंग बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह, बिटकॉइन की सेलिंग हुई है और यूएसडीटी शॉर्ट होने वाला है और काफी हो भी है, 250 पे यूएसडीटी का रेट आ गया है, बस क्या कहें, 30-20-30 पे ऊपर हो गया डॉलर के रेट से, तो ये भी और क्रैश होगा तो और रेट ऊपर होगा, 270-280 तक जाएगा यूएसडीटी। फिर हम आते हैं इसका क्रैश होने वाला है एक दो दिन में, जो है वो क्रैश आ जाएगा, तो आज या तो कल में क्रैश पड़ जाएगा बिटकॉइन में।
यूएसडी कैट का बोला था नया हाई बनाएगा, नया हाई बना के इसने जा रहा है बाइंग में, तो ये बिल्कुल प्रॉपर सही बाइंग है। एडीयूएसडी जो है ये इसने भी अपनी रिजेक्शन ली है, तो ये थोड़ी बहुत इस एरिया में रेंज करेगा अभी। एनजेडी जेपीवाई पे आते हैं, तो एनजेडी जेपीवाई जो है यहाँ पे क्या सिनेरियो दे रहा है, इसने एक हाई बना के इधर रेंज में फंसा दिया। यूएसडी जेपीवाई पे आते हैं, तो यूएसडी जेपीवाई ने एग्जैक्ट इस एरिया से सेलिंग दी है जो मैंने आपको एरियाज लगा के दिए थे। कितने पिप्स की सेलिंग दी यहाँ पे प्राइस ने, प्राइस ने 100 पिप की सेलिंग दिया। अगर अभी कंटिन्यू रखा होगा 40 पिप का प्रॉफिट आपको मेन चल रहा होगा। फिर हम आते हैं जेबीवी यूएसडी में, तो जेबीवी यूएसडी के भी कंटिन्यू सेलिंग हुई और मैंने बता दिया था कब, फ्राइडे और थर्सडे को ही बता दिया था कि पाउंड में भी जो है जो सेलिंग मूव आने वाला है, थर्सडे को ही बता दिया था बल्कि। हाँ, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था इस एरिया से कि पाउंड में सेलिंग मूव आने वाला है, और पाउंड में भी सेलिंग मूव आ गया, उससे पहले भी बता दिया था बल्कि। हाँ, ये जो बड़ा मूव आया इस मूव पे बता दिया था मैंने आपको कि सेलिंग मूव आया, ये पूरा मूव हमने कैप्चर करा था। चलिए, इस वीडियो का यही इंतजाम करेंगे, बाकी अपने अपने की दुआओं में सबका बहुत ख्याल रखिएगा। यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जब भी प्रॉफिट बनाते रहे, अपने भाई बजाज हुसैन को दुआओं में याद रखें, और कोशिश करें प्रीमियम मेंबरशिप कैसा बनने की। वैसे तो इस महीने की तो चांसेस निकल गए आप लोगों के, नेक्स्ट मंथ में जरूर हिस्सा बनिएगा प्रीमियम मेंबरशिप का और एक अच्छा प्रॉफिट कमाइएगा। बाकी अपने अपने की दुआओं में सबका ख्याल रखिएगा। फिर हमारे लाला हाफिज़ टू एवरीवन।